सर डोंट वरी सर, इस नवरात्रि से हमने साउंड पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम्स बनाए हैं जो 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने वालों को कंट्रोल करेंगे। हाँ, नहीं हमारे काबिल ऑफिसर्स हैं वहां पर जो कंट्रोल रूम को कंट्रोल करेंगे। क्या उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? ये तो सोचा ही नहीं है। नहीं ठीक है सर, मैं पता करके बताता हूँ। ओके सर, ओके। हाँ जी मेहता साहब बताइए। क्या पटेल साहब, अगर लाउड स्पीकर 10 बजे तक बजा तो बहुत नुकसान हो जाएगा पटेल साहब, लाखों डूब जाएंगे। कम से कम डांडिया ऑर्गेनाइजर्स के लिए 1 बजे तक तो बजना चाहिए ना, क्या कहते हैं आप? अभी क्या करें, ऊपर से ऑर्डर से आप तो देख रहे हैं ना, हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। सर प्लीज कुछ कीजिए ना। अच्छा आपके एरिया में कंट्रोल रूम में कौन है? शुक्ला है सर। हाँ तो उन पर कंट्रोल कीजिए। कैसे सर? वो भी हम बताएं क्या? प्लीज प्लीज सर बताइए ना। तो ठीक है पहले हम पर कंट्रोल कीजिए। वो कैसे सर? ठीक है सर, वो तो मैं लाया हूँ सर। ये लीजिए सर। तो इस पर कंट्रोल मत कीजिए, आप आने दीजिए, थोड़ा इम्बेलेंस हो गया। ठीक है सर, ये एक और लीजिए सर। ओके अब ठीक है, अब मैं शुक्ला पर कंट्रोल करूंगा। क्या मतलब? कि वो आपको कंट्रोल ना करें। ओके आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और हर जगह डांडिया पंडाल लगे हैं, पर याद रहे कोई भी कहीं भी 10 बजे के बाद स्पीकर नहीं बजाएगा। पर सर हमने तो रात 2-2 बजे तक बजवाने के पैसे खाए हैं। शुक्ला पहले ऑफिशियल मैसेज तो देने दो, बाद में उस पर भी चर्चा कर रहे हैं ना। ओके तो ऑफिशियली 10 बजे तक बजाएं और अनऑफिशियली जब तक वो बजा पाए। तो सर मैं तो खुद 1-1 बजे तक डांडिया खेलूंगी। लेकिन सर पब्लिक की कंप्लेन अभी से आनी शुरू हो गई है। किस बारे में? लाउड स्पीकर के शोर के बारे में सर, नवरात्रों से पहले ही कुछ लोगों ने देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने उसके पैसे दिए थे? ना सबने नहीं दिए। हाँ तो जिन्होंने नहीं दिए उसका बंद करवाओ और जिसने दिए उनको बजने दो। और सर पब्लिक उसका क्या? पब्लिक ये कौन है? भाई साहब मेरा नाम मुसद्दीलाल रावल है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो शक्ल से ही दिख रहा है। तो पूछिए ना क्यों? पूछना क्या, घर के आसपास कोई लाउड स्पीकर बजा रहा होगा। अरे आपको कैसे पता? ध्वनि नियंत्रण कार्यालय में परेशान लोग इसीलिए आते हैं। तो भाई बात यह है कि मेरे घर के मुंह पे नवरात्रि का पंडाल लगा दिया गया और रात रात भर म्यूजिक बजाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। बंद करवाना चाहते हो? जी हाँ, बस कंप्लेन करनी है मैंने। दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती? जी नहीं, अपना गम बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी बीमार हैं, माताजी बेचैन रहती हैं, पत्नी के सर में दर्द रहता है और मेरे सीने में आए। रहते कहाँ हैं? 114 गंदा नाला अस्पताल के पीछे। आपको तो अस्पताल में रहना चाहिए। क्यों? पूरी फैमिली बीमार है, अस्पताल में रहो वही सेफ है जगह। क्या बात कर रहे हैं आप, ये डांडिया का पंडाल वहीं पे तो लगा है अस्पताल में। क्या? हाँ डॉक्टर और नर्सें रात रात भर डांडिया खेलते रहते हैं और म्यूजिक बजाते रहते हैं। और मरीज? कहते हैं म्यूजिक से मरीजों का इलाज करेंगे। गुड भाई, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं उनकी? देखिए भाई साहब, सरकार ने नियम बनाया है कि रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बज सकता, लेकिन वो लोग रात रात भर बजाते हैं। मैं ही नहीं पूरा मोहल्ला उनके इससे बहुत परेशान है। कोई बात नहीं, सिर्फ 10 दिन की तो बात है। आप बता दीजिए कंप्लेन कहाँ करनी है? भाटिया जी से मिलो। भाटिया जी कहाँ मिलेंगे? नहीं 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 भाई साहब, 10 बजे के बाद अलाउड ही नहीं है, रूल इज रूल। प्लीज भाटिया साहब, मेरे बच्चे की मुंडन पार्टी है। अरे तो पहले बताना चाहिए ना। गलती हो गई। एड्रेस बोलो। जी 55/53 स्वरूप नगर। वेरी गुड। और टाइम? 7-2 सर। अरे वाह, ये लो परमिशन। थैंक यू वेरी मच सर। भाटिया जी मेरे बच्चे की मुंडन पार्टी में आप जरूर आइएगा। अरे भाई साहब, आप अगर नहीं भी बुलाते तो भी हम जरूर आते। ओके थैंक यू सर। बड़े दिनों से मुंडन की पार्टी खाई भी नहीं थी यार। भाटिया जी एक कंप्लेन करनी थी। किस बारे में? रात रात भर घर के बाहर लाउड स्पीकर बजता रहता है। भाटिया जी मेरे बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी। अरे वेरी गुड। और लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान। लाउड स्पीकर का परमिशन लेना, लाउड स्पीकर बंद करवाना है। आप उठिए जी, आप बैठिए, आइए। लेकिन वो मेरा कंप्लेन सर। देखिए भाई साहब, मैं परमिशन देता हूँ, शुक्ला कैंसिल करता है। जी जी हाँ बोलिए, कितने बजे तक बजाना है? सर आप जितने बजे तक ऑर्डर दे रहे। अरे भाई साहब आप पब्लिक है, जितने बजे तक चाहे उतने बजे तक बजाए, आप जाए। भाई साहब सर ना खाए। ये शुक्ला जी कहाँ है प्लीज बताएं। भाई साहब थोड़ा अपना सर भी खपाएं, क्या सब कुछ हम ही बताएं? हाँ भाई साहब आप अपना कार्यक्रम समझाएं। अरे भाई साहब ये शुक्ला जी कौन है? पता नहीं भाई साहब। कमाल है भाई, किससे पूछूं शुक्ला जी को। भाई साहब ये शुक्ला जी कौन है? क्या शुक्ला जी कौन है? गम है, गम तो मुझे भी बहुत ज्यादा है, लेकिन शुक्ला जी कौन है? अरे गमगीन गणेश, गम नहीं, हम है, हम है और हम है। आप क्या हैं? हम शुक्ला हैं।
आप शुक्ला हैं? हाँ, कहिए तो लिख के दे दे। नहीं नहीं शुक्ला जी, बात यह है कि हमारे घर एक मिनट बैठ के बात कीजिए। आइए सभ्य पुरुषों की तरह आइए। जी थैंक यू। हाँ बोलिए जी। देखिए, दिखाइए मत भाई साहब, वैसे ही बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ चौरसिया साला पान वाला पान खाने जाओ, एक घंटे बिठा लेता है। आप बस बोलिए जी। मेरा नाम मुसद्दीलाल रावल है। हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे घर के बाहर डांडिया खेलते हैं। तो आपको नहीं खेलने नहीं रहता है? नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन क्या है कि उसकी आवाज से हम लोग सब बहुत ज्यादा परेशान है। बंद करवाना है जी? हाँ, वैसे भी सरकार ने बोला है कि 10 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। कहाँ रहते कहाँ यहाँ? गंदा नाला। वो तो हमारे अंडर में आता ही नहीं जी। मतलब हम अंडा गंदा नाला नहीं कंट्रोल करते। तो कौन कंट्रोल करता है? ओखला जी। पर भाटिया जी ने तो कहा था आपसे मिलूं। अरे वो तो सही बोल दियो, रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। जी जी तो मिल लिए ना, खुश हो गए, अब जाइए कंप्लेन कर दीजिए। कहाँ? अरे उषा जी के पास, वही कंट्रोल करती हैं। उषा जी को कौन कंट्रोल करता है? नहीं मतलब उषा जी कहाँ मिलेंगी? अरे वहाँ वो देखे बैठे बटिया रही है ना वही। पर वहाँ तो दो दो महिलाएं हैं, उनमें से कौन सी हैं? अरे मतलब लेफ्ट वाली। लेफ्ट? आपके लेफ्ट के हमारे लेफ्ट? क्या हुआ? ये उषा भी है हमारे लेफ्ट वाली। जी जी जी। और सुनिए, हमसे दोबारा मिलिएगा मत। जी ठीक है। हाँ। जी जी मैडम। क्या है? जी आप गंदे नाले वाली हैं? क्या? नहीं मतलब गंदा नाला आपके अंडर आता है? क्या बकवास कर रहे हो? मतलब आप गंदा नाला देखती हैं? मैं क्यों देखूं, मेरा क्या दिमाग फिर गया? ओ, मेरे कहने का मतलब यह है मैडम कि गंदा नाला का एरिया आप कंट्रोल करती हैं। सीधी तरह नहीं पूछ सकते थे? जी आई एम वेरी सॉरी, एक कंप्लेन करनी थी। रुको जरा, मैं बात कर रही हूँ। हाँ तो कितने पासेस चाहिए तुझे डांडिया के? अगर 4 मिल जाएगा तो। अरे मिल जाएंगे क्या? मिल ही जाएंगे। नहीं देंगे तो लाउड स्पीकर बंद नहीं करवा दूंगी उनका। तेरे को तो पता है ना, कल मैं डांडिया खेलने गई थी मैडम। क्या है? मैडम एक कंप्लेन करनी थी। क्या? देखिए मेरे घर के बाहर डांडिया का पंडाल लगा हुआ है, वहाँ वो लाउड स्पीकर चलाते रहते हैं। तो क्या मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ? मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माताजी बेचैन हैं, मेरी पत्नी के सर में दर्द होता रहता है और मेरे सीने में हाय। तो डॉक्टर को दिखाओ ना। दिखाया था। तो क्या बोला? वो कहने लगा रेस्ट करो, डिस्टर्बेंस से दूर रहो। तो दूर रहो कैसे? रहूं वहां अस्पताल में तो डांडिया खेलते रहते हैं ना। कौन? वही डॉक्टर जिसने मुझे शोर शराबे से दूर रहने के लिए कहा है। बंद करवा दीजिए आप इसे प्लीज। जी एप्लीकेशन दो। जी क्या? वही जो शिकायत है। अच्छा ठीक है, पेपर होगा आपके पास? नहीं मेरे पास नहीं है। तो कहाँ मिलेगा? वो भी हम बताए क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। हाँ तुम क्या कह रही थी? तू कल डांडिया खेलने गई थी? अरे हाँ, मैं कल गई थी अपनी सास के साथ। ऐसी डांडी मारी कि सह सूझ के पकौड़ा हो गया। तूने मारी? नहीं मेरे ससुर ने। ये मैडम कहाँ चली गई? ए पांडे जी। जी। ये मैडम कहाँ चली गई? क्या पता। कमाल है भाई, इस ऑफिस में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं होता। ये शुक्ला जी। ये मैडम जो वहाँ बैठती हैं वो कहाँ गई? मैडम कहीं पूछ लीजिए। अरे वो तो है नहीं ना वहाँ। तो आएंगी तब पूछ लीजिएगा। क्या? कि कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी नहीं पूछना है? अरे महाराज आप ही तो कह रहे हैं वही पूछना है। नहीं नहीं ये पूछ रहा था कि कहाँ गई है, क्योंकि एप्लीकेशन देनी है उन्हें। अब आ गई। नहीं उषा जी, इन दिनों में मैं आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं दे सकता। पर सर भाई इतने लोग कंप्लेन लेकर आते हैं, सबकी कंप्लेन लिखनी पड़ती है ना। पर सर हम कंप्लेन कहाँ सॉल्व करते हैं? नहीं, बात सॉल्व करने की नहीं है, बात लिखने की है भाई। सरकारी ऑफिस में पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, तभी पब्लिक को लगेगा ना कि भाई उसकी कंप्लेन लिखी गई। पर सर मेरी मैडम क्या है? जी ये मेरी कंप्लेन है। लो लो कंप्लेन लेकर आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं और आप मेरे पीछे आ रही है भाई। हाँ भाई साहब बताइए क्या है? जी ये शिकायत है। ओके ओके, रात को लाउड स्पीकर बहुत तेज बजते हैं और बहुत देर तक बजते हैं सर। डोंट वरी, हम आपकी शिकायत पर गौर करेंगे। ओके जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। देखा, किसी की शिकायत भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, सब पर गौर करना चाहिए। ओके उषा जी? जी गौर करना चाहिए। मतलब सिर्फ गौर करना चाहिए, शिकायत दूर नहीं करनी चाहिए, समझी? जी जी। यही तो बड़ा मजा आया। अच्छा तू कितने देर नाची? 4 घंटा। और तेरा पति? वो तो 24 घंटे नाचता रहता है। तेरा वो तो मैडम क्या है? मैडम मैं परसों आया था, एक एप्लीकेशन दी थी मैंने, मेरे घर के बाहर वहां पंडाल लगाया हुआ है, उसमें डांडिया खेलते हैं, लाउड स्पीकर बजता है, बंद करवाने के लिए, लेकिन आपने बंद नहीं किया। एप्लीकेशन दी थी? जी हाँ दी थी। नंबर क्या है? नंबर तो बगैर नंबर के कंप्लेंट कैसे होगी? नंबर भी होता है।
पर वो मैंने तो एप्लीकेशन दी थी ना वो बड़े साहब को आपके सामने। मुझे तो नहीं दी थी ना। नहीं पर परवर कुछ नहीं, मेरे पास कंप्लेंट नहीं आई है तो एक्शन कैसे लेंगे। नहीं आपको मैंने जब एप्लीकेशन दी थी उस वक्त बताना चाहिए था ना। तो अभी बता रही हूँ। क्या दोबारा एप्लीकेशन दो? जी। और इस बार नंबर लेके जाना, बाद में कंप्लेंट नहीं करना कि कंप्लेंट पे गौर नहीं किया। बस मैडम मैं यूं गया और यूं एप्लीकेशन लिख के लाया। हाँ तो तू तेरे पति के बारे में क्या कह रही थी? वो तो खैर उनके बारे में। ये लीजिए मैडम एप्लीकेशन। लिख भी लाए? इसमें लिखना क्या था? लाउड स्पीकर बंद कर दें बस। अब बता दीजिए नंबर क्या है? हाँ नंबर है 150। 150? यही तो 149 लोग तुम्हारे ऊपर है। मेरे ऊपर? तो मतलब मेरा नंबर कब आएगा? देखो आज वहाँ जाके हमारे लोग देखेंगे कि वाकई देर रात तक बचता है कि नहीं। अगर देर रात तक बचता है तो कल जाके हमारे बड़े साहब देखेंगे कि वाकई भाई बचता है, तो फिर लेटर इशू करेंगे। उसके बाद फिर कितने दिन लग जाएंगे? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। इतने दिन? सरकारी काम है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। थोड़ा जल्दी करा दीजिए मैडम। जी जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ तो तू क्या कह रही थी मेरे पति के बारे में? जी नहीं मेरा पति था। नहीं मेरा पति था, मेरा था। चुप, मेरा था। शुक्ला जी? जी ये उषा मैडम आए नहीं अभी तक। क्या आए? कब आएंगी? आती होंगी। भाटिया जी। उषा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है आज बड़ी जल्दी आ गई आप। जी पटेल साहब आए क्या? नहीं अभी कहाँ, आप बताइए ना कैसे हाल चाल है आपके? बस ठीक हूँ मैडम। भाटिया जी क्या है? कंप्लेन है। अरे रुको ना बाबा, अभी तो आ रही हूँ ना। भाटिया जी आपके लिए। अरे क्या है ये? मेरी सास ने हलवा भेजा है। किसका? मैडम एक सेकंड। अरे एक मिनट यार, किसका? लॉकी का। अरे थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आपका हो गया? हाँ भाई साहब हो गया। बोल। जी मैडम वो मेरी कंप्लेन। क्या? वो मैं परसों आया था ना कंप्लेन देने। क्या कंप्लेन थी? यही कि मेरे घर के सामने पंडाल लगा हुआ है, लाउड स्पीकर बजता जा रहा है। कंप्लेन नंबर क्या है? 150। अरे वो तो गई कहाँ? भाटिया जी के पास। क्या? हाँ वही इंक्वायरी ऑर्डर इशू करते हैं ना। अच्छा उनसे पूछो। जी थैंक यू। मेरी टेबल पे तो नहीं आई। क्या? जरा ठीक से देखिए, 150 नंबर है। दैया बोला ना, ना एक ना पचास ना 150, कोई नहीं आई। तो कहाँ गई? उषा जी के पास होगी। पर वो तो कह रही है आपके पास है। और हम कह रहे हैं हमारे पास नहीं आई। तब उषा जी झूठ बोल रही है। अरे मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? अरे कमाल है, आप कहती हैं आपके पास नहीं है, भाटिया साहब कहते हैं उनके पास नहीं है, तो कहाँ गई? मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करके यहाँ रखी थी, यही है अब तक। तो आप तो कह रही थी कि चली गई। 5 दिन से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ कि मेरे पिताजी बीमार हैं, माता जी बेचैन रहती हैं, बीवी मेरी के सर में दर्द रहता है और मेरे सीने में दर्द रहता है, आए और आपके कान तक क्यों नहीं देख रही है, आए। पर मैंने तो अपना काम किया ना, मैंने कंप्लेंट ली ना। अरे तो फाइल यहाँ से भाटिया साहब के पास कौन ले जाएगा? वो मेरा काम नहीं है, पांडे का काम है। लाइए मैं ले जाता। नहीं 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 सरकारी काम में दखल मत देना। पांडे जी। जी ये एप्लीकेशन भाटिया जी को दे दो। जी पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी जरा मेरे वाली ऊपर कर दो ना। जो जहाँ वहीं रहेगी। अरे नहीं ऐसा मत करो प्लीज, गलत काम मत करवाओ उनसे। तो मेरा काम जरा जल्दी हो जाएगा ना। और मेरा काम क्या? 100 रुपए एप्लीकेशन ऊपर करने के, नंबर 1 पे लगा दूंगा। ये लो। ओके ओके हम तुम्हारी कंप्लेंट पे आज ही गौर करेंगे। तो लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा ना? अरे यार पहले गौर तो करने दो, शुक्ला जी जाएंगे आज गौर करेंगे। देखिए जरा जल्दी कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ भाई हम तुम्हारी रिक्वेस्ट पे भी गौर करेंगे। लेकिन भाटिया अरे यार फिलहाल हलवे पे गौर करने दो। जी क्या भाटिया जी? जी सर। अरे भाई आप सबको याद है ना, आज मैं गंदा लाला दांडिया में चीफ गेस्ट बनाया है। अरे सर वो कैसे भूल सकते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि पूरा स्टाफ वहाँ पर आए, क्योंकि बेस्ट डांस अवार्ड मेरे ही हाथों देना है। डोंट वरी सर, मैं विद फैमिली आऊंगा। यही तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है दांडिया खेलने को। मैं तो डंडे भी साथ में लाया हूँ। ओके तो रात को मिलते हैं। ओके ओके सर। भाटिया जी लंच टाइम। अरे सुबह 11 बजे लंच टाइम कैसे? लंच हमारा टाइम हमारा जब मना आएगा तब करेंगे, तुमको क्या? लंच आपका हो सकता है लेकिन टाइम पब्लिक का होगा। वो कौन? वो मैं। अरे आप कौन? मुसद्दीलाल रावल। चावल? अरे हर चीज खाने की नहीं होती, मेरा नाम मुसद्दीलाल रावल है। आपसे नहीं कर रहा हूँ, खुद से बात कर रहा हूँ, चावल नहीं भेजे मेरी बीवी ने। देखिए भाटिया साहब ये बात ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे पता चावल मुझे बहुत पसंद है। अरे मैं आपके खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा खाना खाया तुम
बाद में दूंगा, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पिछले 7 दिन से मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ, आप मुझे नचा रहे हैं आजकल करके। वहाँ लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आप यहाँ बैठे। आप मेरा खाना तो दो, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। लाउड स्पीकर कब बंद होगा? अरे किसका लाउड स्पीकर भाई? अच्छा, अब इतना भी भूल गए? देखो यार, खाली पेट कुछ याद नहीं रहता, तुम मेरा खाना दे दो, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। अच्छा, ये लो खाना खाओ और बताओ। देखो, हमने तुम्हारी फाइल पे गौर किया था और वो हमने फॉरवर्ड कर दी थी शुक्ला जी के पास। क्या? हाँ, वही इंक्वायरी के लिए जाते हैं, उनके पास जाओ। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कभी कहते हैं यहाँ से वहाँ जाओ, कभी कहते हैं वहाँ से यहाँ जाओ, मतलब एक बार में काम नहीं कर सकते आप? अरे भाई, ये सरकारी काम है। हाँ, मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, तो वही गौर करने गए थे, उनके पास जाओ ना। अच्छा भाई साहब, क्या गौर करें, एकदम ह्यूज पंडाल है, बड़े बड़े लोग नाच रहे हैं, मतलब बड़े बड़े स्पीकर। रात 2-2 बजे तक चलते हैं ना? मैं कह रहा हूँ रात 2-2 बजे तक चलते हैं। अरे भैया, 4 बजे भोर तक तो हम डांस किए हैं। हाँ, अरे आप वहाँ पर थे तो बंद क्यों नहीं करा दिया? अरे भाई साहब, वो पटेल साहब वो भी डांस कर रहे थे ना, तो कैसे मन कराया आप बोलिए? तो क्या गौर हो चुका हालात पे? अरे तो कब तक गौर करेंगे, 7 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ मैं। मेरे पिताजी बीमार हैं, माताजी बेचैन रहती हैं, बीवी के सर में दर्द रहता है, मेरे सीने में दर्द रहता है, हाय, और आपको रहम ही नहीं आता है, हाय। ना मैं देखूंगा और ना आपकी बात सुनूंगा, अब तो मैं शिकायत करूंगा। कहाँ? कहाँ? बड़े साहब के पास। बिल्कुल वही जाइए, तब तोड़ा 2 दिन में सब बंद। अच्छा, आपको पहले ही मेरे पास आना चाहिए था, मैं गौर करता ना आपकी कंप्लेन। मुझे कैसे पता, मुझे जैसे कहा मैंने वैसा किया। ठीक है, देर आए दुरुस्त है, अच्छा हुआ आप आ गए। वहाँ चक्कर लगवाते तो 2 बातें होंगी, या तो वो भाटिया शुक्ला वो सब आपसे रिश्वत मांगते, या तो चक्कर लगवाते। चक्कर लगवाते तो ठीक था, रिश्वत मांगते तो 2 बातें होती, या तो आप रिश्वत देते या तो ना देते। देते तो ठीक था, ना देते तो 2 बातें होती, या तो वो आपको कम करते या तो ना करते। करते कहाँ से और ना करते तो 2 बातें होती, या तो आप मेरे पास आते या तो ना आते। नहीं आते तो कहाँ जाते, और आ गए तो 2 बातें हो गई, या तो मैं आपसे रिश्वत मांगूंगा या तो नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा ऐसा लगता नहीं है मुझे संभाव, और मांगी तो 2 बातें होगी, या तो आप देंगे या तो। कितने दूं? दे दो, सोच समझ के दे दो, अभी क्या है, ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं मेरे लिए। ये ले लीजिए। ठीक है, मैं आज ही आपकी कंप्लेंट पर गौर करूंगा। सर प्लीज, वो लाउड स्पीकर बंद करवा दीजिए, नॉइज पोल्यूशन की वजह से हमारा तो जीना मुश्किल हो गया। डोंट वरी सर, डोंट वरी, परसों मैं खुद आकर लाउड स्पीकर बंद कराऊंगा। ओके जी, थैंक यू सर, पक्का है ना? हाँ पक्का, आप वहां पर रहिएगा, आपके सामने लाउड स्पीकर उतरवाता हूं मैं। ओके थैंक यू, फिक्र मत कीजिए। अच्छा, मम्मी रेडी का ख्याल रखना प्लीज। जी। सर परसों आप कैसे करवाएंगे? परसों तो वो लोग खुद ही लाउड स्पीकर उतार देंगे, परसों लास्ट डे है ना। अच्छा। अरे भाई, हिसाब लगाया कि नहीं कि नवरात्रि में कितना आया है इस बार? 2,20,000। हाँ बस यही तो, हिसाब में कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं है, ये सब उसका है जिन लोगों ने इलीगल तरीके से लाउड स्पीकर बजाए थे। नहीं मगर पब्लिक ने घूस भी तो दी होगी ना। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने 10 बजे से पहले बंद कर दिया था लाउड स्पीकर, उन्होंने कम्प्लेन की नहीं। अब जिन्होंने कम्प्लेन की उनके आपने लाउड स्पीकर बंद नहीं कराया? अरे क्यों राहुल साहब, भैया गंदा नाला वाला लाउड स्पीकर तो मैंने खुद ने बंद करवाया था। आपने बंद करवाया? ऑफ कोर्स। अरे पूरी रात में वहां पे इंतजार करता रहा, देखता रहा, अब आएंगे आप, अब आएंगे आप, 5:00 बजे खुद ही उन्होंने उतार दिया। तार दिया ना, काम होने से मतलब है। पर आपने थोड़ी कराया है तो क्या, तो मैं घूंस के पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ? पागल हो गए क्या? अरे भाई, कमान से निकला तीर, संतरे से निकला जूस और जेब में से निकली घूंस कभी वापस नहीं जाती। क्या? हाँ, जो दे दिया सो दे दिया। लेकिन ये तो गलत बात है ना, ईमानदारी की बात नहीं है। हाँ सर, वैसे सही कह रहा, अगर ये बात पता चली कि हमने घूस लेने के बाद काम नहीं किया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। यही तो सर, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम भाई, आपने जो 500 रुपए दिए हैं वो हमारे पास एडवांस है, ऐसा समझ लीजिए आप। एडवांस? हाँ भाई, अगले साल भी तो नवरात्रे आएंगे। हाँ, अगले साल भी तो लाउड स्पीकर बजेंगे। अगले साल भी तो कंप्लेन लेके आओगे? अगले साल भी तो घूस दोगे? तो हमने ये एडवांस में ले ली। अच्छा, तो मतलब अगले साल आप मेरी शिकायत दूर कर देंगे? ए हिंगड़ा विड़वा गई थी मोरी सैयर, हिंगड़ा विड़वा गई थी, हे 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 हैं जी।